मध्य प्रदेश में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने से बच्चों में काफी खुशी का माहौल है। वहीं सीतापुर के ब्लॉक एरिया के अंतर्गत काजी कमालपुर में स्थित सेवाश्रम इंटर कॉलेज में जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ तो वहां के बच्चों में खुशी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि 27 जून को यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होना था, जिसका इंतजार बच्चे सुबह से ही बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे। कॉलेज में सुबह से ही इकट्ठे हो गए थे। सेवाश्रम इंटर कॉलेज काजी कमालपुर के प्रधानाचार्य के अनुसार हाई स्कूल में अभिनव चंद्र अग्निहोत्री ने 83% अंकों के साथ स्कूल टॉप किया और प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं राघव सिद्धार्थ 82.5% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं वैभव मिश्रा 82.5% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे तथा देवर्षि शुक्ला ने 80.3% अंक हासिल कर चौथा स्थान प्राप्त। तो वहीं वहां के प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों ने बच्चों को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों ने हमारे संवाददाता आशुतोष अग्निहोत्री से बातचीत की और बताया कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत और कठिन परिश्रम करके इन नंबरों को हासिल किया। आइए देखते हैं संवाददाता आशुतोष अग्निहोत्री की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम अभिनव चंद्र अग्निहोत्री है। मैं विद्यालय सेवाश्रम इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ तथा मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों एवं प्रधान को देना चाहता हूँ। मैं रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ता था तथा मेरा आगे का लक्ष्य आईएएस बनना। मेरा नाम वैभव कुमार मिश्रा है। मैं सेवाश्रम इंटर कॉलेज काजी कुमार में सीतापुर में पढ़ता हूँ और मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने गुरुजनों और अपने प्रिंसिपल महोदय जी को और अपने माता पिता को देता हूँ। और मैं प्रतिदिन 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करता था। मैं आगे चलकर एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने जैसे अनेक विद्यार्थियों का जीवन संवार सकूँ। सर, मेरा नाम देवार शुक्ला है। मेरे पिताजी का नाम शिव जयंत कुमार शुक्ला। मैं सेवाश्रम इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं अपने घर पर 10 से 11 घंटे पढ़ाई करता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने माता पिता तथा गुरुजनों को, प्रधानाचार्य जी को और अपने शिक्षकों को देना चाहता हूँ। मैं आगे चल के इस देश का एक अच्छा नागरिक और साथ में एक बढ़िया डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जिससे अपने देश के मरीजों की कुछ सेवा कर सकूँ।